अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम शेयरिंग अनस्टिच ड्रेसेस बाय इज़निक एंड बारूक। एक्चुअली ये वेलवेट कलेक्शन है, इज़निक का भी एंड बारूक भी, आल्सो वेलवेट कलेक्शन। सो लेट्स सी दिस वन फर्स्ट। अच्छा जी, इसकी प्राइस है 18,990 रुपीज़ अनस्टिच की प्राइस है। ब्लैक कलर है ये, एंड ये वेलवेट जो है अच्छी क्वालिटी है, मतलब प्योर लाइक बहुत बल्कि नहीं है, पाकिस्तानी क्वालिटी में एक 9,000 की क्वालिटी आती है। इसके ऊपर जो है वो साइड पे लिखा होता है तो वो अच्छी क्वालिटी होती है, और ये भी अच्छी क्वालिटी है। इसके ऊपर लिखा तो नहीं कौन सी है, बट ये गुड क्वालिटी है, बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं है एंड बहुत थिन भी नहीं है। उसके बाद जो है शर्ट एंड पैंट दोनों का कपड़ा जो है इसी में है, तो फिर स्टिच होते हुए आइडिया होगा कि लेंथ कितनी ज़्यादा हो सकती है। उसके बाद फिर इसका एम्ब्रॉयडर्ड गला है जो कि है फ्रंट का एप्लिक होगा, फिर इसका बैक का गला है काफ़ी बड़ा सा, ये भी एप्लिक होगा। अच्छा, उसके बाद ये बॉर्डर्स दिए हैं। अब इस एनले कार्ड के ऊपर कोई डिस्क्रिप्शन नहीं लिखी हुई कि ये कहाँ का है, और मुझे पिक्चर में भी कहीं नज़र नहीं आ रहा, बट इसको मैंने स्टिच करना है इंशाल्लाह, तो फिर मैं वेबसाइट पे इसके चेक करूँगी कि ये बॉर्डर्स जो हैं वो कहाँ लगाए हुए, क्योंकि शर्ट में इस पिक्चर में कहीं भी नहीं लगाए हुए। उसके बाद जो है ये डीप पर्पल कलर का इसका ऑर्गेन्जा का दुपट्टा है, ऑर्गेन्जा की क्वालिटी अलबत्ता जस्ट ओके है। और उसके बाद इसके जो है वो बॉर्डर्स हैं जो कि लॉन्ग साइड, अब आई डोंट नो, मुझे लग रहा है कि ये हो जाएंगे पूरे ना। अच्छा, ये वेलवेट का बॉर्डर है स्लीव्स का, और ये भी लगाने के बाद ही आइडिया होगा कि ऑल साइड, लेकिन ऑल साइड लगे हुए तो आई एम श्योर के ऑल साइड के हो जाएंगे, बाकी बेटर जो है मैं इंशाल्लाह स्टिच शेयर कर पाऊँगी। लेट्स सी द अदर वन। अच्छा, ये है बारूक का, इसकी प्राइस जो है 15,000 समथिंग है, लाइक मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, आई थिंक 31,800 के टू सूट्स थे, और डीप ग्रीन कलर है इसका, कलर फुली एम्ब्रॉयडर्ड है, रेशम का बहुत ही खूबसूरत वर्क है इसका। आई थिंक डायरेक्शन मैंने जो है इसकी गलत की हुई है, ये फ्लावर्स जो है ऊपर की साइड को जाएंगे, और इसका डिज़ाइन जो है वो एक साइड पे सेप डिफरेंट है और एक साइड पे डिफरेंट है, यानी एक ही जैसा जो है वो दोनों साइड पर नहीं आ रहा। ये इंशाल्लाह हमने ये सारे ड्रेसेस जो है वो स्टिच करने हैं। तो इसका फ्रंट है, लेंथ इसकी अच्छी लंबी हो जाएगी जैसे पिक्चर में लग रही है। उसके बाद जो है ये है इसका बैक भी जो है वो काफ़ी खूबसूरत है, और काफ़ी ज़्यादा कपड़ा दिया हुआ है बैक पे, काफ़ी बड़ा साइज़ जो है वो आराम से बन सकता है। इवन जो फ्रंट भी है तो ये लार्ज साइज़ से बड़ा साइज़ आराम से इस एम्ब्रॉयडरी में बन जाएगा, और अगर उससे भी बड़ा साइज़ बनाना हो तो देन साइड पे जो है वो थोड़ा सा प्लेन आएगा। उसके बाद हैं इसकी स्लीव्स, और फिर स्लीव्स के ये बॉर्डर्स हैं, तो ये प्राइस के हिसाब से जो है वो बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है। ये दो बॉर्डर हैं जो कि मुझे लग रहा है, अच्छा ये वाला बॉर्डर जो है वो दामन पर लगाया हुआ है, और ये वाला बॉर्डर जो है वो सिर्फ स्लीव्स के ऊपर लगाया हुआ है। और फिर है इसके का रॉ सिल्क का ट्राउज़र, और रॉ सिल्क या कोई भी कपड़ा जो है वो वेलवेट से कभी भी नहीं मैच करता, ये एम्ब्रॉयडरी से मैच करता हुआ, ये मैं हमेशा बताती हूँ, प्योर वेलवेट लें या कोई भी वेलवेट लें वो मैच नहीं करता। अच्छा, उसके बाद इसका दुपट्टा, जो कि बड़ी ज़बरदस्त बात यह है कि दुपट्टा इसका कंप्लीट फिनिश है, पलटा तक लगा हुआ, इवन लेस लगी हुई, और इसके जो है कोई धागा खिंच रहा है, और इसके कॉर्नर्स पर जो है वो टेसल भी लगे हुए हैं, और बहुत अच्छा फिनिश हुआ है। जैसे बड़े बड़े डिज़ाइनर्स इंक्लूडिंग हुसैन रिहार का भी जो है वो दुपट्टा फिनिश बहुत गंदी क्वालिटी में हुआ था, बट ये तुरपाई नहीं हुई हुई, बट बहुत अच्छा नीट हुआ है, सो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। लेट्स सी द लास्ट वन। अच्छा जी, ये इसकी प्राइस भी वैसी है जो इससे पहले वाले का बताया है, 15,000 समथिंग का है, और इसका जो है पीकॉक ब्लू कलर का कलर है इसका, इसकी अलबत्ता लेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होगी, अलबत्ता ऊपर की साइड तो आ रहा है प्लेन, और बस सेंटर में एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, एंड देन जो है वो दामन की तरफ हुई हुई है। उसके बाद इसके कुछ पैचेज हैं जो कि हमें समझ में नहीं आ रहे हैं, एक तो ये, अच्छा ये स्लिट्स के पैचेस हैं, ये दोनों जो हैं वो चाकों के ऊपर होंगे, इसके अंदर थोड़ा सा होल है, बट अब तो आ गया, इसको फिक्स करना पड़ेगा। और उसके बाद ये दो भी समझ में नहीं आ रहे, पिक्चर में जहाँ तक देख रही हूँ उसमें मुझे नज़र नहीं आ रहे, और इसमें जो है वो जस्ट शर्ट पैचेस लिखे हुए, तो ऐसे जो है वो इसका तरीका ये है कि हम स्टिच करते वक्त थोड़े से और पिक्चर्स निकालेंगे इसकी फ्रंट बैक की, तब आइडिया हो पाएगा। उसके बाद ये वाला बॉर्डर है फ्रंट बैक के दामन का, और बॉर्डर जो है जितना कपड़ा प्रोवाइड किया है उससे ज़्यादा दिया हुआ है,
तो ये फ्रंट बैक के दामन का हो गया। अच्छा, उसके बाद जो है ये है इसका बैक, जिसके जस्ट मिडल में जो है वो बड़ा सा बॉर्डर बना हुआ है, और सॉरी बंच बना हुआ है काफ़ी लंबा सा, और बॉर्डर मैंने ऑलरेडी बता दिया था जो फ्रंट पर आ रहा है वही वाला बैक में आ रहा है। उसके बाद ये हैं इसकी स्लीव्स। अच्छा, स्लीव्स का यहाँ पर मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो है वो कोई पैच जो है वो एप्लीक हुआ है, बट अभी इसमें तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है वो ऑर्गेन्जा का, या तो ये हो सकता है क्योंकि अभी इसमें क्लियर नज़र नहीं आ रहा। मैं फिर इसकी जो है वेबसाइट से और पिक्चर्स निकालूंगी और फिर विल सी, या मे भी ये हो सकता है। एक्चुअली ये लग रहा है मुझे कि ये इस तरीके से एप्लीक होगा जिस जिस तरह से इसका शेप लग रहा है, बट फिर भी कंफर्म नहीं बता सकते अंटिल वी स्टिच। और इसको स्टिच जो है वो इंशाल्लाह जल्दी से शेयर करेंगे, तो जो भी इसका फिर कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगी। ये इसका पाकिस्तानी रॉ सिल्क का ट्राउज़र है। उसके बाद है इसका दुपट्टा। दुपट्टा जो है इस तरीके से लॉन्ग एम्ब्रॉयडरी सेंटर में भी हुई हुई है, एंड लॉन्ग साइड पे भी जो है वो बॉर्डर बने हुए हैं। उसके बाद ये इसके पल्लू का बॉर्डर है। सो कंट्रास्ट जो है वो बड़ा ज़बरदस्त है। पैंट मैच जो है वो इसके साथ है, दुपट्टे के साथ कभी भी वेलवेट से मैचिंग नहीं होती है। सो मुझे तो वेलवेट के सूट्स अच्छे लगे। इनफैक्ट इससे पहले वाला जो है डार्क ग्रीन मुझे काफ़ी खूबसूरत लगा, और ये भी अच्छा है, और इज़निक वाला भी अच्छा है। बाकी आप सबको कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट में बताइएगा, एंड वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।